उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी पितृभूमि, वो भूमि तेरी जय जयकारा निर्माला, वो भूमि तेरी जय जयकारा निर्माला। बद्री केदारा का द्वार छना, बद्री केदारा का द्वार छना, मेरा कनखल हरिद्वारा मेरे हिमाल, ओ या छन कनखल हरिद्वारा मेरे हिमाला। भेड़ू पातो बारो मासा, भेड़ू पातो बारो मासा, पुनर्ण का फल पाक्यो चेता मेरी छेला, पुनर्ण का फल पाक्यो चेता मेरी छेला। भेड़ू पातो बारो मासा, इस धुन को तो, ये भेड़ू पाको को तो उत्तराखंड का नेशनल एंथम भी कहा जा सकता है जी। वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हमने जो अपने संबोधन की शुरुआत की थी वो गुरु शिष्य परंपरा से की थी जी, और ये गुरु जी का शताब्दी वर्ष है, जन्म शताब्दी वर्ष। आपको लगता है कि आपने जितनी साधना की है, आपने जितनी मेहनत की है, और गुरुदेव कुमार गंधर्व जी को आत्मसात किया है, ये कितना मुश्किल था? और उससे ज़्यादा अगर आप उनकी कोई चीज़ यहाँ पर हमें सुना दें तो हमें लगेगा उससे उत्तम उत्तर कुछ नहीं हो सकता। बहुत ज़रूरी और बहुत अच्छी बात आपने बोली। कुमार जी ने दृष्टि हर कलाक्रम को अलग तरीके से देखने की, उसमें चाहे गाना हो, चाहे अच्छी किताब हो, चाहे अच्छी पेंटिंग हो, उसमें कैसे उसका आस्वाद लेना है, ये दृष्टि कुमार जी ने दी। क्योंकि कुमार जी का बहुत बहुत विराट उनका, कुमार गंधर्व जी का इस मामले में सोचना था। कुमार जी की एक बहुत चर्चित भजन है, उड़ जाएगा हंस अकेला जग दर्शन का मेला, वाह वाह, वो मैं प्रयास करता हूँ। दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला, उड़ जाएगा जैसे पात गिरे तरुआर के, जैसे पात गिरे तरुआर के, मिलना बहुत दुहे बहुत दुहेला, ना जानू किधर गिरेगा, ना जानू किधर गिरेगा, लग गया पवन कारेला, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा हंस अकेला, जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला। देखिए फरमाइशें आनी शुरू हो गई हैं और नज़ीर अकबराबादी जिन्होंने उनकी उन गज़लें कहें या भक्ति संगीत कहें, गीत कहें, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को जिस तरह से प्रस्तुत किया है, उस बारे में आप क्या सोचते हैं? अगर नज़ीर तो मैं क्या कहूँ कि जैसे थोड़ा बहुत मेरा परिचय होने लगा नज़ीर से, तो ऐसा लगता है जैसे कोई पकड़
भजन गाते हुए आगरा बाजार में चले जा रहे हैं। तो पहले मुझे याद है, बहुत सुंदर सुंदर चित्रण है, हमें लगता है कि इससे अच्छा चित्रण हो नहीं सकता, कृष्ण श्री कृष्ण भक्ति का और नजीर अकबर आबादी, बहुत बहुत सुंदर, प्लीज। तो ये इस रचना पे आजकल मैं थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, तो जो भी अभी ऑन द मेकिंग प्रोसेस में है थोड़ा बहुत मैं बयां करता हूँ। ये राग मैं बताते चलूं, ये गौड़ सारंग करके एक राग है, गरे मा ग पम 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 गरे गरे मा गा परे सा सारे सा गरे मा गा पम ध पम पम प गम गम गरे गरे सा। क्या कन्हैया का बालपन यारों करूं मैं, कन्हैया का बालपन। पहली लाइन थोड़ा सा भूल रहा हूँ, कैसे करूं मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन, अब घुटनियों के उनका मैं चलना बयां करूं, अब घुटनियों के उनका चलना बयां करूं, यारों के संग मुन का मैं पलना बयां करूं, कैसे कहूं मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन, यारों करूं कृष्ण कन्हैया का बालपन। यारों सुनो ये कृष्ण, यारों सुनो ये दधि के लुटैया का बालपन, यारों सुनो ये दधि के लुटैया का बालपन, और मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन, यारों। एक बहुत सुंदर इसमें लाइन आती है, वो मैं सुनाना चाहता हूँ। से थोड़ा राग चेंज कर दिया, जाहिर मैं सुत वो नंद जसोदा के आप थे, राग यमन निरे गरे निरे सा निरनी मरनी सा, या जाहिर मैं सुत वो नंद जसो के आप थे, वरना वरना आप ही माई थे और आप ही बाप थे, वरना आप ही माई थे और आप ही बाप थे।
पर्दे में बालपन के उन्हीं के मिलाप थे, ज्योति स्वरूप कही जिन्हें वो तो आप थे, ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन। सुनो ये दधी के लुटैया का बालपन। वाह 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 वाह, जितनी धन्यवाद, जितनी तारीफ की जाए कम है। और सौरभ की फरमाइश थी, देखिए सामने बैठे हैं जी, उन्होंने कहा छोड़ूंगा नहीं। खैर उनकी फरमाइशें और आ गई हैं, लेकिन हमारी नज़र घड़ी पे वो जो बच्चे हैं पीछे, उनमें से बहुत सारे बच्चों ने कहा कि कुछ फिल्में सुनवाइएगा। तो यहाँ हमारी अपनी पसंद ये है कि एक मैं आपको बताऊंगा, आपने कहीं अपने आप को बांधा नहीं, किसी चीज़ में बांधा नहीं, किसी विधा में बांधा नहीं, शास्त्रीय में बांधा नहीं। और आपकी सबसे अच्छी बड़ी बात है कि ये आप आकाशवाणी के हाई ग्रेड कलाकार होने के बाद भी अपने आप को बंधनों से मुक्त रखते हैं। इसके लिए साधुवाद, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। तो क्योंकि समय कम हो गया है, अगले मेहमान आ गए हैं, सेशन का समय हो रहा है। तो वो कर दीजिए और उसके बाद चलते चलते आज जाने की जिद ना करो, ठीक है। ये मेरे घर पे संगीत विरासत से मिला है। मेरे चाचा जी श्री जगमोहन जोशी बहुत अच्छे कंपोज़र हैं, मेरे पिताजी भी बहुत दखल रखते हैं संगीत में, श्री मोहनचंद जोशी जी। तो ये मेरे चाचा जी की कंपोजिशन है और आई थिंक निदा फाजली साहब की लिखी हुई है। तो ये मैं दो लाइन आपको सौरभ सर के आग्रह पे, सवेरा जमीन पर फिर अदब से आकाश अपने सर को झुका रहा है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। हुआ सवेरा जमीन पर फिर अदब से आकाश अपने सर को झुका रहा है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। बहुत सुंदर। आज जाने की जिद ना करो। अच्छा मर जाएंगे,
सोचो जरा क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, तुमको अपनी कसम जान जा। वक्त की कैद में जिंदगी है मगर चंद घड़ियां यही है जो आबाद, इनको खोकर मेरी जाने जा। उम्र भर तरसते रहो आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। हम तो ज़िद्द नहीं कर सकते, हम चाहते हैं कि आपको सुनते रहें और बहुत ही मधुर, थैंक यू, बहुत मीठा, बहुत सुंदर आप जो सेवा कर रहे हैं संगीत की, उसके लिए बधाई। और युवा पीढ़ी को जो आप संस्कार दे रहे हैं, संगीत के संस्कार, गुरु शिष्य परंपरा के संस्कार, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। पूरे इंडिया टुडे परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैं पूरे इंडिया टुडे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया